वेलकम सीरीज के इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। इस बार जो सीरीज है वो कुछ दिन पहले 24 दिसंबर 2016 को आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ है और मेमोरी बेस्ट है। सीरीज जैसे आप पढ़ते चले आए हैं उसी की श्रृंखला की ये अगली कड़ी है। आप जानते हैं कि जब मैक्सिमम स्लोप होता है तो टाइम्स होता है इंटू 1 times 2 times 3 times 4 times 5 times लाइक दैट या इंटू 2, 4, 6, 8 टाइम्स होता है। ऐसे मीडियम स्लोप होता है तो इंटू 2, 2, 2, 2, 2 कॉन्स्टेंटली चलता है या इंटू 3, 3, 3, 3, 3 या 1.5, 1.5, 1.5 ऐसे चलता है। अगर मिनिमम स्लोप होता है तो वो समथिंग प्लस होता है, नॉट टाइम्स। मिनिमम स्लोप, मीडियम स्लोप और मैक्सिमम स्लोप के बीच में एक स्लोप होता है जिसमें 0.5 का मार्जिन रहता है, यानी वो इंटू 2, 2 भी नहीं होगा, इंटू 2, 3, 4 भी नहीं होगा, बीच में होगा, इंटू 0.5, इंटू 1, इंटू 1.5, इंटू 2, इंटू 2.5 लाइक दैट। 2 सीरीज भी होंगे जिसमें दोनों अलग अलग चलेंगे और दोनों के करस्पॉन्डिंग टर्म्स में भी रिलेशन होगा, ऐसा भी होगा, और अप्स डाउन सीरीज भी होंगे। यही मूल रूप में वेराइटीज है। और स्क्वायर और क्यूब अगर आप जानते हैं, करीब 30 तक का स्क्वायर और 10 तक का क्यूब, तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। स्लोप के आधार पर सीरीज को सबसे अच्छे तरीके से पहचाना जा सकता है और तब सॉल्व भी किया जा सकता है। आइए हम लोग देखते हैं, उसी ओर चलते हैं जैसा चलते आ रहे हैं। क्या कुछ अलग डिफरेंट नजर आता है? फर्स्ट सीरीज को देखते हैं। स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है, छोटे नंबर से नहीं चलता। यहां देखते हैं पर ये टाइम्स नहीं हो रहा तो ये मिनिमम स्लोप का मामला है, और मिनिमम स्लोप का मामला है तो समथिंग एडिशन का मामला है। आइए इनसे पूछते हैं कि इसमें क्या ऐड करें तो ये आए, 15 में क्या ऐड करें तो ये आए, पूछ के लिखा, 22 में क्या ऐड करें तो 32 आए, पूछ के लिखा। हमें नहीं मालूम हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, हम लोग तो पूछेंगे आप में क्या ऐड करें तो आप आए, 32 में क्या ऐड करें तो आए, क्या ऐड करें तो आए। देखिए तो कुछ नजर आ रहा है, ये सीरीज चला, ये इस लेवल में पता नहीं चल रहा, अगले लेवल में पता चलेगा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास अगला ऑप्शन ये है कि 7 में क्या हो रहा है +3, 10 10 में क्या हो रहा है +4 क्या हो रहा है +5 तो +6 होगा +25 होगा, दैट मीन्स की 90 इज द आंसर, दैट मीन्स की 90 इज द आंसर। बोलिए लग रहा है नेचुरल नॉर्मल, तुरंत आप इसको पकड़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अप्स डाउन सीरीज है, अप्स डाउन सीरीज है, लेकिन 2 सीरीज भी हो सकते हैं। अप्स डाउन सीरीज में 2 सीरीज होने का भी चांस बनता है, एक से अधिक रूल भी हो सकते हैं। एक तो आपको दिखता है 21, 23, 25 +2, +2, +2 अल्टरनेट 7, 5, 3 शायद हो भी सकता और नहीं भी, लेकिन फिर भी दिल और दिमाग दोनों कहता है कि 7, 5, 3 एक से ज्यादा रूल भी हो सकते हैं। लेकिन रूल कंफर्म तब होता है जब 3 रिजल्ट्स आते हैं, और 3 रिजल्ट्स के लिए 4 टर्म चाहिए, और यहां 4 टर्म्स नहीं है, 7, 5 क्वेश्चन मार्क। अगर एक और टर्म होता तो हम लोग 3 और 1, अगर यहां 1 होता तो कंफर्म था कि ये रूल सही है। अभी है कि यहां सही होने की संभावना है, होना चाहिए। 21, 23, 25 एक और टर्म यहां होता बीच के बाद 27 तो कंफर्म था कि हम लोग टर्म्स को पकड़ सकते हैं। अभी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं और बोल सकते हैं कि 7, 5, 3 मे बी कि 3 आंसर हो भी सकता है, होने की संभावना भी है, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा। तब फिर क्या है, ये समथिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन है। इससे पूछिए 7 में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 21 आए,
तो प्लस 14 पूछा इसमें क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि 5 आए माइनस 16 पूछा इसमें क्या करें तो ये आए प्लस 18 कुछ समझ में आ रहा है प्लस 14 माइनस 16 प्लस 18 माइनस 20 प्लस 22 यस दिस इज द रूल और ये सही है कि यहां आंसर हुआ 3 सो दैट कि प्लस 22 25 ये रियल में सही तरीका है कंफर्म है 100% सही है पिछला वाला भी सही था आंसर तो 3 ही है रिस्क भी ले सकते हैं बट नॉट कंफर्म ठीक है आगे बढ़े थर्ड क्वेश्चन देखिए थर्ड क्वेश्चन में हम लोग यहां आते हैं तो अचानक लगता है कि 91 एक थोड़ा बड़ा नंबर आ गया और इसको देख करके ऐसा लगता है कि 27 है तो 91 कहीं ये टाइम्स का मामला तो नहीं है लगता है टाइम्स हो सकता है कितना 3 times 4 times लेकिन 3 times 4 times सोचते हैं तो 18 का तो टाइम समझ में नहीं आता ये तो 2 times भी नहीं है तो यहां 3 4 कैसे ले रहे हैं 2 times है, यहां क्या करें 1 और यहां क्या करें 9 ये बताता है कि टाइम्स का मामला नहीं है इससे पता चलता था कि शायद टाइम्स हो लेकिन जस्ट ये बता दिया ये टाइम्स नहीं है अरे ये तो डबल भी नहीं है तो टाइम्स का सवाल कहां है तो फिर क्या है समथिंग एडिशन एडिशन में तो कुछ भी चेंजे जा सकते हैं आइए पूछते हैं पूछ के लिखते हैं 9 में क्या ऐड करें तो 10 आए 1 तो लिखा प्लस 1 पूछा इसमें क्या करें तो 18 आए ऐड करने के सेंस में तो प्लस 8 पूछा पूछ के लिखा क्या करें तो आए प्लस 9 क्या करें तो आए प्लस 64 यस ये बताता है कि ये 2 क्यूब है ये 3 स्क्वायर है तो ये तो हम लोग स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्यूब भी लेकिन ये बताता है कि दरअसल ये 1 क्यूब है 2 1 स्क्वायर है ये 1 स्क्वायर है 2 क्यूब है 3 स्क्वायर है 4 क्यूब है तो प्लस 5 स्क्वायर होगा यानी प्लस 25 होगा यानी कि 116 इज द आंसर जल्दी बोलिए होगा कि नहीं ये 91 है तो उसके बाद 116 इज द आंसर देख लीजिए प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर मतलब 25 ठीक है समझ गया नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए यहां आकर के आपको क्या लगता है कि शायद टाइम्स हो लेकिन 203 थोड़ा बड़ा है टाइम्स हो भी सकता है लेकिन ये तो टाइम्स को काटता है ये टाइम्स तो है नहीं ये कैसे टाइम्स हो तो फिर क्या है बस एडिशन ये बड़ा नंबर है यहां कहता है कि शायद टाइम्स हो लेकिन ये उसको काटता है कि नहीं टाइम्स का मामला नहीं है टाइम्स नहीं है मतलब मिनिमम स्लोप का मामला है पूछिए इससे इसमें क्या ऐड करें तो ये आए 6 पूछ के लिखना है इसमें क्या करें तो आए पूछिए अभी दिमाग नहीं लगाना है उसके बाद इसको पूछिए क्या करें तो आए कुछ दिख रहा है यस 6 12 24 48 96 देख ली 117 आ रहा है कि नहीं मैंने 107 तो 59 एंड 48 107 और 96 करके देखिए 203 आ रहा है कि नहीं समझ में आया बोलिए और अब ये है लास्ट सवाल लास्ट क्वेश्चन देखिए यहां क्वेश्चन मार्क है ये तो कह रहा है कि टाइम्स है 4 times जैसा लग रहा है तो 3 times तो ये भी लगता हुआ नजर आ रहा है ऐसा तो यहां नहीं लग रहा था यहां तो 2 times 1 time यस मैक्सिमम स्लोप का मामला है कंफर्म दिस इज 4 दिस इज 3 दिस इज 2 दिस इज 1 स्लोप तो ये होगा साथ में क्या होगा इससे पूछिए 6 into 1 6 क्या करें तो 7 आए प्लस 1
7 इंटू 2 14, क्या करें तो 16 आए। 16 इंटू 3 48, क्या ऐड करें तो 51 आए, प्लस 3। 3 रिजल्ट्स, 4 टर्म्स से 3 रिजल्ट्स बनते हैं और 3 रिजल्ट से रूल कंफर्म। अगर ये खुद भी दो सीरीज का मामला ना हो, अगर ये खुद भी दो सीरीज हो तो फिर एक और टर्म चाहिए। अब तो हमें पता है इंटू 4 प्लस 4 और कंफर्म 2448, तो ये हुआ इंटू 5 प्लस 5। देखिए मल्टीप्लिकेशन तो आना चाहिए। इंटू 5 इंटू 10 करेंगे तो 2080, 5 करेंगे तो 1040 एंड 5 1045 इज द आंसर। नहीं समझे, 208 है ना, इंटू 5 करना, इंटू 10 करेंगे तो 2080, 5 करेंगे तो 1040 एंड 5 1045। बोलिए ये समझ में आया। सीरीज में भी काफी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, जितना संभव हो आप उन्हें देखें, फिर से बनाएं। जितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं वैरायटी है, मैं तो और भी आगे सॉल्व करता रहूंगा रिसेंटली जितने भी एग्जाम होते जाएंगे, लेकिन जितने सॉल्व किए हैं उन्हें आप देख लीजिए, आपको कभी किसी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपके सक्सेस में सीरीज, अप्रॉक्स, सिंप्लीफिकेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इनइक्वालिटी, सफिशियंसी, इन चैप्टर्स का विशेष योगदान होगा। All the best.